बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मटन को बिना तेल के फ्राई करें। सबसे पहले एक पैन लें, उसमें आप वो मटन डालें जितना आपके पास मटन है, उसको पैन में डाल के फिर इसको किसी लकड़ी की स्पैटुला के साथ हिलाते रहना है। मैंने इस मटन में थोड़ा सा फैट भी डाला है एक हड्डी के साथ मटन का, तो उसको फिर उसके बाद ढक देना है। 2-3 मिनट के बाद हमें देखना है उसको, तो उसने अपना जो पानी है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी, तो उसको फिर हिलाते रहना ताकि मटन की सारी साइड्स जो हैं वो पकना शुरू हो जाए अपने पानी में। ये देख सकते हैं आप, ये अपना पानी इसको निकला है। और ये जो हड्डी देख रहे हो आप, इसमें काफ़ी सारा फैट्स है, इसलिए मैंने ये इसमें डाला है। इसका रस जो होता है बहुत टेस्टी होता है। फिर बीच बीच में इसको हमें और उठा के, ढक्कन उठा के इसको हिलाते रहना है और हिलाते रहना है। देखिए काफ़ी सारा पानी निकल आया है। अब थोड़ा सा मीट पके, उसमें हमने नमक डालना है। जितनी ज़रूरत हो उतना नमक हमने इसमें डालना है और फिर से हिलाते रहना है। याद रखें कि पहले नमक थोड़ा ही डालें, क्योंकि जब ज़्यादा चला जाए फिर टेस्ट अच्छा नहीं रहता है। ये जो मीट है ये हमें कुर्बानी का मीट है, भेड़ू का मीट। कुर्बानी के मीट में अल्लाह ताला ने अपनी इतनी एक शिफा रखी होती है, उसमें एक अपना जायका जो है बहुत अच्छा आता है। बीच बीच में हमको उसको ढकना है और फिर हिलाते रहना है ताकि उसको जो नमक है वो सारी पीसेस में चला जाए। देख सकते हैं आप इसमें कितना पानी फिर से निकलना शुरू हो गया है। इसी पानी में ये पकेगा और फिर से इसको ढक के कुछ देर के लिए रख देना है। बीच बीच में इसको ढक्कन उठा के फिर से हिलाते रहना है। अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा जो अपना फैट्स है वो निकालना शुरू हो गया है। ये तेल देखें आप, ये इस मटन का अपना है फैट्स, इसी में ये पक रहा है। अब तलने का इसका एक कलर जो है फ्राई वाला वो चढ़ने लगा है। इस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा हिलाते रहना है इसको, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। देखें कितना तेल निकला है, ये बिना तेल के है तैयार हुआ हमारा मटन। तो आप ये मटन किसी के साथ भी खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ या आपकी अपनी मर्ज़ी चाय के साथ। ये तैयार हुआ हमारा विदाउट ऑयल के फ्राई मटन। शुक्रिया।